हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स रिप्लाई जीएसटी सीरीज। आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट का है। ये रिसेंटली लास्ट वीक में ही आया है और इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूल 31A सब रूल 3 को क्वैश कर दिया गया है। साथ ही उसका रेलेवेंट सर्कुलर जो था उसका रेलेवेंट पोर्शन भी क्वैश कर दिया है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि पेटिशनर जो है वो एक रेस क्लब चलाता है और वो वहाँ पे बैटिंग ऑर्गेनाइज करता है ऑन हॉर्स रेसेस। पटिशनर जो है वो खुद बैटिंग नहीं लगाता है, वो सिर्फ बैटिंग को फैसिलिटेट करता है। यानी कि जो पॉइंटर्स होते हैं वो पॉइंटर्स अपने ही बैट लगाते हैं, या तो वो बैट लगाते हैं विद अ टोटलाइजेटर रन बाय द पटिशनर्स, यानी पटिशनर के थ्रू लगाते हैं, या फिर बुक मेकर लाइसेंस बाय द पटिशनर्स। उन दोनों में से किसी एक के थ्रू वो बैट्स लगाते हैं। जो बैट्स लोग लगाते हैं वो अपना अपना डिपॉजिट पेटिशनर के पास रख देते हैं कि हमारी इतने की बैट है। जो जीतने वाला पर्सन होता है, जिसका हॉर्स जीत जाता है उसको सारा पैसा मिल जाता है, और जो हार जाता है उसका पैसा फोरफिट हो जाता है। पेटिशनर जो है इस काम के अपने कमीशन लेता है, यानी जो लोग जीतते हैं वो विनर से अपना कुछ कमीशन लेता है। अब केस में लिटिगेशन ये है कि पेटिशनर ये कहता है कि जो मेरे ऊपर जीएसटी लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन पे लगना चाहिए, ना कि टोटल अमाउंट, क्योंकि पेटिशनर की जो इनकम है वो सिर्फ उतनी ही है जितना उसे कमीशन मिला, बाकी इनकम तो विनर की थी जो विनर ले गया। बट जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि जीएसटी जो है वो टोटल अमाउंट पे लगना चाहिए, ना कि सिर्फ कमीशन अमाउंट। तो ये केस जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने माना कि हाँ, जीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकम पे लगना चाहिए, ना कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पेटिशनर जो कि उसने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रिसीव किया था। तो हाई कोर्ट के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं रूलिंग में। फर्स्ट पॉइंट इज पेटिशनर इज लायबल टू पे जीएसटी ओनली ऑन कमीशन इनकम एंड नॉट द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड बाय देम इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, क्योंकि वो उनका अपना पैसा तो था नहीं, वो सिर्फ उनको उन्होंने डिपॉजिट किया था एक डमी अकाउंट में ताकि वो विनर्स को दे सके। सेकेंड, हाई कोर्ट ने कहा कि मेकिंग द एंटायर अमाउंट लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी would take away the principle that a tax can only be on the basis of consideration even under the CGST. यानी कि सिर्फ consideration पे ही आप GST लगा सकते हैं GST Act के अंदर, total amount पे नहीं। और consideration petitioner का सिर्फ उतना ही है जितनी उतनी उसकी income है। Third point उन्होंने कहा कि this can be nothing different from that of a stock broker or travel agent. Both of them are liable to pay GST only on the income portion that they earn. And not on the all monies that pass through them. यानी कि जो ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, वो भी यही काम करता है कि वो सामने क्लाइंट से पैसे लेता है और पीछे जिनसे वो सर्विस ले रहा होता है उनको पास ऑन कर देता है, और इस काम के वो कुछ कमीशन लेता है। और जो एजेंट का जो जीएसटी होता है वो सिर्फ कमीशन पोर्शन पे होता है, ना कि टोटल पोर्शन पे। तो हाईकोर्ट ने फोर्थ पॉइंट में ये कहा कि यस, इन तीन रीजन्स की वजह से रूल 31A(3) जो है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्ट है और उसको क्वैश कर देना चाहिए। बिकॉज रूल 31A(3) जो है उसमें लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब शैल बी द 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बैट और द अमाउंट पेड इन टू द टोटलाइजेटर। यानी कि रूल 31A(3) जो है वो वैल्यूएशन डिफाइन करता है इन द केस ऑफ हॉर्स रेसिंग, और उसमें लिखा हुआ है कि जो वैल्यूएशन है वो 100% ऑफ द अमाउंट रहेगी, ना कि सिर्फ कमीशन। तो इसी रूल को पेटिशनर ने चैलेंज किया था और पेटिशनर के फेवर में ऑर्डर आया है, और इस ऑर्डर के बाद पेटिशनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन पे जीएसटी देने के लिए लायबल है, जैसा कि वो जीएसटी से पहले दे रहा था। जीएसटी से पहले भी वो सर्विस टैक्स में सिर्फ कमीशन इनकम पे ही सर्विस टैक्स दे रहा था, ना कि टोटल अमाउंट पे। तो ये है फ्रेंड छोटी सी रूलिंग कर्नाटका हाई कोर्ट की। इस केस से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।